अमेरिका के राष्ट्रपति माननीय ट्रंप साहब जो आए हुए हैं यहाँ दो दिवस के अपने दौरे पर, आज राष्ट्रपति भवन में उनके साथ रात्रि भोज के समय मुझे भी निमंत्रण मिला है, तो मैं वहाँ जा रहा हूँ। और एक अच्छा अवसर है कि जब सब लोगों के साथ उनके साथ मिलने का अवसर मिलेगा, और एक भोज के नाते से निमंत्रण मिला है, मैंने उसको स्वीकार किया। और कोई जा रहा है सर? कुल मिलाकर हरियाणा की जो बातचीत होगी उसमें कुछ उनको बताएंगे, बाकी तोहफा तो वहाँ कोई किसी को नहीं दिया जाएगा। बातचीत में अगर कोई विषय निकल गया तो हरियाणा का ऐसा विषय नहीं होता। सीएम साहब, दिल्ली की हिंसा पर ये कह रही है कांग्रेस की, बीजेपी के नेताओं की बयानबाजी, बीजेपी के नेताओं ने जो दिल्ली चुनाव प्रचार के दौरान जो बयान दिए वो बड़ी वजह है कि दिल्ली में आज इस तरह की घटना हुई है, हिंसा हुई। देखिए, बड़े दुर्भाग्य की बात है कि जब देश में एक ऐसे विश्व के नेता अमेरिका के राष्ट्रपति आए हुए हैं और हमको अपने यहाँ एक माहौल ऐसा बना के रखना चाहिए था जिसमें उन पर कोई प्रभाव ना जाए, हमको लगता है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई शरारत की गई है इस विषय को उनके आगमन के समय उठाने का। और निश्चित रूप से इसकी जानकारी सरकार लेगी, और सरकार लेने के बाद जिस भी किसी ने इस प्रकार का ये घृणित काम किया होगा उनको बख्शा नहीं जाएगा।